हेलो मेरी प्यारी माताओं और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप और अपना बच्चा है वो दोनों ही बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में, जिसे हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ थी पुराने ज़माने में, जो दादी माँ नानी माँ जो भी थी ना, वो क्या बताती थी, ऐसे कौन से सिम्टम वो बता देती थी महिला को देखकर कि उसको एक बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी, वो उसको पहले से ही मालूम पड़ जाता था और 100% वो सही भी हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में तो आपको मालूम है कि बिना अल्ट्रासाउंड के तो वो बहुत पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन ही है कि आपको क्या होगा, एक लड़का होगा कि लड़की। लेकिन अभी इस ज़माने में वो एक्सपीरियंस लेडी मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी नई माँ जो बनने वाली है, जैसे कोई की प्रेगनेंसी है वो कन्फर्म हो जाती है, तो उसको मालूम पड़ता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि उसको क्या होगा, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। वही जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी हमारे ये चैनल का या मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप कोई लड़का लड़की में भेदभाव करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है चैनल में, तो वीडियो को लाइक और किया शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले वो पहुँचती रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं पुराने ज़माने में, जो नानी माँ दादी माँ थी, वो ऐसा बताती थी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी लेडी को अगर बहुत ही ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब उसको पेट के ऊपर खुजली आ रही है, हाथों में पैरों में खुजली अगर बहुत ही ज़्यादा आ रही है ना, तो ऐसा माना जाता था कि उसको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। लेकिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी में दोस्तों देख के बिल्कुल खुजली नहीं हुई थी, मुझे भी एक बेबी बॉय हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ था कि 7वां 8वां 9वां महीना लग गया ना, बाद में मुझे पेट के ऊपर थोड़ी थोड़ी खुजली होती थी दोस्तों। तो मुझे भी हमारी जो सामने दादी माँ रहती थी ना, उसने बताया था कि तुझे खुजली की प्रॉब्लम है तो तुझे बेबी बॉय ही होगा, और मुझे बेबी बॉय हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, कि खुजली की प्रॉब्लम होना है ना, वो नॉर्मल है, क्योंकि यह होता है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है ना, बच्चा बढ़ता है पेट में, तो पेट के ऊपर जो कि त्वचा रहती है ना, वो रुखी सूखी हो जाती है ना, उसमें सूखापन आ जाता है, तो वो इचिंग की प्रॉब्लम होती है। पर आपको बिल्कुल खुजाना नहीं है दोस्तों, आपको बहुत खुजली आएगी लेकिन आपको खुजाना नहीं है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, जैसे क्या होगा कि वो भाग के आपके जो खुजली आ रही है ना, वो त्वचा को आपको मॉइस्चराइज करके रखना है, ताकि आपको खुजली नहीं होगी बिल्कुल। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाया है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।